नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं जीबे 24। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सोधा ने सरकार की योजना आपकी बेटी हमारी बेटी के तहत प्रार्थियों को गुमराह करने और योजना का लाभ ना देने के मामले में एक सेवानिवृत्त लिपिक की पेंशन रोकने और नियमानुसार चार्जशीट करने के आदेश दिए। इसके साथ ही शिकायतकर्ता बलविंदर कुमार की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। अगर अब भी इस मामले में लापरवाही बरती गई तो संबंधित अधिकारी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। राज्य मंत्री सुभाष सोधा बुधवार को देर शाम 5 बजे पंचायत भवन के सभागार में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की अपनी पहली बैठक में लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। इस मासिक बैठक में पहली बार पहुंचने पर उपायुक्त उत्तम सिंह द्वारा परंपरा अनुसार स्वागत किया गया और पुलिस प्रशासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्य मंत्री सुभाष सोधा ने अपनी पहली बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की सोच है कि कार्यालयों में आने वाले शिकायतकर्ता की तुरंत सुनवाई की जाए और पूरा मान सम्मान दिया जाए। अगर अधिकारी सरकार की सोच के विपरीत नागरिकों के साथ ठीक व्यवहार नहीं करेंगे तो संबंधित अधिकारी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए अधिकारियों को अपनी कार्यशैली में परिवर्तन लाना। उन्होंने अधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया कि करनाल शहर में स्वच्छता पर विशेष फोकस और गंभीरता के साथ कार्य किया जाए। अगर किसी अधिकारी और कर्मचारी ने करनाल की स्वच्छता में ग्रहण लगाने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कष्ट निवारण समिति की 17 शिकायतों में से 6 शिकायतों का मौके पर समाधान किया और 11 शिकायतों का समाधान करने के लिए प्रार्थियों को उचित न्याय देने के लिए जांच के आदेश दिए गए और आगामी बैठक में अधिकारी जांच रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत हो। इतना ही नहीं, सभी विभागों के HOD बैठक में समय पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। अगर कोई भी अधिकारी बिना बताए गैर हाजिर रहा तो विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसके अलावा राज्य मंत्री ने दर्जनों लोगों की शिकायतों को सुना और उनका समाधान करने के लिए अधिकारियों को आदेश दिए। इसी दौरान एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर घरौंडा के तहसीलदार को राज्य मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर नागरिकों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। राज्य मंत्री ने गांव कैलसौरा निवासी पूजा शर्मा के मामले में LGM को निष्पक्ष जांच करने और बीमा कंपनियों के अधिकारियों को आगामी बैठक में तलब करने के आदेश दिए। राज्य मंत्री ने गांव मोनक निवासी सरबती की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी को सख्त आदेश दिए कि आगामी 10 दिनों में पेंशन बनवाने से संबंधित पिछले 15 दिनों से लंबित 1000 आवेदनों पर निपटारा किया जाए। क्योंकि सर्वप्रथम तो मैं आज लाल महसूस को धन्यवाद करता हूँ का भी हमारे साथ में बैठे हमारे रहने के लिए हमारे पूरे MLA अभी यहाँ पे सत्तर जी हैं, हमारे जी को राणा जी। आज हमने लगभग 17 माइक ऑन करो पिताजी, माइक ऑन 17 हमारे साथ उसमें से हमने लगभग 6 को किया, 11 पेंडिंग इशू थी। जिस 11 पेंडिंग में मैंने दिए गए उसकी पूरी सुनवाई कर हमारी उत्तरी होगी तब उसको भरे, अदरवाइज नहीं। हम चाहते हैं गरीब जनता को उसका साफ होना चाहिए। मैं खास साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, कोई भी आदमी किसी प्रकार की करप्शन में मिसबिहेव में अधिकारी कहीं भी मुझे मिलेगा उसने अपने समय पर लगातार एक आदमी को चक्कर लगवाए और वो रिटायर हो गया, उसके लिए उसकी पेंशन भी होगी और 400 रुपये। देखिए हमारे अभी होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी कार्य जो हमारे एक्टिव रूम था वो लगभग 2000 फुट हो जाए, लेकिन ये बहुत बड़ी एक जो प्रॉब्लम हो गया उसके लिए हमने स्थान को चेंज किया, देखिए आदरणीय अमित शाह जी हमारे द्वारे और जो सिख की राजनीति है उसके बारे में बहुत सी जानकारी देखे जाएंगे और उसको हम कार्य भी करेंगे। अच्छा
जनरल आप जल्दी आप आपके बात कहने से नहीं होती, तो ऑप्शन में मिलता है
ये कर रहा है। आप रिटर्न में दीजिए ताकि उसको रक्षा करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जीपीएन 24।